हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा था। अब आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे प्रूफ पार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूफ दैट। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। यहाँ पे हमको क्या करना है, LHS का जो वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा और इज इक्वल टू के साइन के बाद हमारा सेक थीटा है, तो ये राइट हैंड साइड है, तो हमको दोनों का वैल्यू इक्वल करके दिखाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे LHS के जो भी वैल्यू होंगे उनको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और RHS के वैल्यू को भी साइन और कॉस में कन्वर्ट करके दोनों को इक्वल लाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे दोनों जो वैल्यू है हमारे साइन और कॉस में ऑलरेडी कन्वर्ट हुए, तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कॉस है और कॉस थीटा अपॉन वन है। तो वन को जब हम साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो वन होता है और कॉस जो जैसा है हमारा वैसे रहेगा, तो वन अपॉन कॉस थीटा ये हमारा LHS का वैल्यू हो गया। ये वन अपन कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा के बराबर होता है, तो RHS का भी वैल्यू हमारा सेक थीटा ही है, तो दोनों साइड हमारे इक्वल हो गए, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा और वन प्लस स्क्वायर को सॉल्व करके हमको वन दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे जो वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है क्योंकि ये फॉर्मूले से हमने उसको यूज़ किया हुआ है। हमको ब्रैकेट में दिखाना है कि हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा के होल ब्रैकेट में वन है, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जो वैल्यू होता है वो वन के बराबर होता है, तो वन का स्क्वायर जो होता है वन होता है, तो यहाँ पे दोनों साइड हमारे इक्वल हो गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो ये LHS का जो वैल्यू है हमारा वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है और रूट के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर का जो हमारा टर्म है वन प्लस साइन थीटा, इसका अपोजिट जो वैल्यू है वन माइनस साइन थीटा से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो न्यूमरेटर का जो वैल्यू होगा हमारा वन माइनस साइन थीटा दी होल स्क्वायर अपॉन वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिनोमीटर में। तो ऊपर हमारा वन माइनस साइन थीटा दी होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा और वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो दोनों के स्क्वायर को हम कैंसिल करके रूट को स्क्वायर कैंसिल कर देंगे और वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो वन अपॉन कॉस और माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस को हम सेपरेट करेंगे, तो वन अपॉन कॉस जो होता है वो सेक थीटा के बराबर होता है और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है। तो यही वैल्यू हमारा RHS का भी है, तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमको जो क्वेश्चन दिया है हमको वैसे ही कंप्लीट करना है और ये हमारा सब कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको फोर्थ पे आते हैं। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट इंटू कॉस थीटा प्लस टैन थीटा इन सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू टैन थीटा इंटू सेक थीटा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, फर्स्ट जो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा है उसको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करना है। तो सेक थीटा जो होगा वन अपॉन कॉस में कन्वर्ट होगा और कॉस थीटा जो है वैसे ही रहेगा, इंटू सेकेंड ब्रैकेट का जो वैल्यू है कॉट थीटा उसको हम कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट करेंगे और टैन का जो वैल्यू है वो साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट वन माइनस, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है अपॉन कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वन के बराबर होता है और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमारा नेक्स्ट वैल्यू जो होगा साइन थीटा अपन कॉस थीटा इंटू वन अपन कॉस थीटा, तो वन अपन कॉस जो होता है वो सेक के बराबर है और साइन थीटा अपन कॉस थीटा जो है वो टैन के बराबर है। तो RHS का जो वैल्यू हमारा टैन थीटा इंटू सेक थीटा ऑलरेडी पहले से ही है, हेंस हमारा LHS और RHS हमारा इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो यहाँ पे हम कॉट थीटा और टैन थीटा को साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो कॉट थीटा जो होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा के बराबर होता है एंड टैन थीटा जो होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा वन के बराबर है, वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वन अपॉन साइन इंटू वन अपॉन कॉस को हम सेपरेट करेंगे, तो वन अपॉन साइन जो है वो कोसेक के बराबर है और वन अपॉन कॉस जो है वो सेक के बराबर है। तो ये हमारा आर एच एस का भी यही वैल्यू है, तो हमारा एल एच एस एंड आर एच एस बोथ आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो यहाँ पे हमारा एल एच एस का जो वैल्यू है हम उसका रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमेटर में हमारा सेक थीटा माइनस टैन थीटा है, तो हम ऊपर इसके अपोजिट जो वैल्यू है प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो ऊपर का जो हमारा टर्म होगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। नीचे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू था वन होता है, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये आर एच एस का भी यही वैल्यू है, हेंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। क्वेश्चन नंबर सेवन, साइन रेस टू फोर थीटा माइनस कॉस रेस टू फोर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पावर में हमारा फोर है उसको हम टू में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन रेस टू फोर को हम साइन स्क्वायर इंटू दी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और कॉस रेस टू फोर को हम कॉस स्क्वायर थीटा इन दी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम फर्स्ट दोनों टर्म को ऐड करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और सेकेंड ब्रैकेट हम दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो वन के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे वन पुट करेंगे और साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर को हम वैसे ही रहने देंगे। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा। तो कॉस स्क्वायर को जो हम ऐड करेंगे तो टू माइनस टू कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा एल एच एस का जो वैल्यू होगा वन माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा और आर एच एस का भी हमारा यही वैल्यू है, तो एल एच एस और आर एच एस हमारे इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर एट, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट सेक और टेन को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो सेक थीटा जो होता है वन अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है और टेन थीटा जो होता है वो साइन अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्ली दोनों को ऐड करेंगे, तो वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आर एच एस पे आएंगे, आर एच एस का वैल्यू है कॉस थीटा अपन वन माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे डिनोमेटर में हमारा वन माइनस साइन थीटा, तो हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो इसका अपोजिट जो वैल्यू है वन प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो ऊपर का जो टर्म होगा हमारा कॉस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा अपन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस कॉस यहाँ से एक कॉस हमारा कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग ओनली वन कॉस बचेगा, तो वन प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो ये जो वैल्यू है वो एल एच एस के बराबर है, हेंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। क्वेश्चन नंबर नाइन पे आते हैं, इफ़ टेन थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू टू देन शो दैट द टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्या करेंगे, टेन थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू टू को हम दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे, तो टेन थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू दी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू टेन थीटा इंटू वन अपॉन टेन थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू का स्क्वायर जो हमारा फोर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेन टेन हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फोर। तो हम क्या करेंगे, टू को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फोर माइनस टू देन टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर इज इक्वल टू टू। तो ये अब हमारा प्रूफ हो गया।